भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज निकाला है तिरंगा यात्रा। बताते चलें, जिस तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं, वहीं आज बिहार के कैमूर में, इस वक्त हूँ, और कैमूर में भी आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है। तिरंगा यात्रा के दौरान ये भी चीज़ देखने को मिला कि बाइक जुलूस के साथ, बाइक में बाइक रैली, बाइक के साथ में अनिल दुबे जी साथ में मौजूद थे, और उसके बाद में देखा गया जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, कई लोग कैमूर के लोग मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो बेहतर तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत भी के पास हम चलते हैं। अनिल दुबे जी, आज तिरंगा यात्रा निकाला है, क्या कहेंगे? आज हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और आज हम आज़ादी के पर्व को गर्व से मना रहे हैं, और ये जनता में संदेश दे रहे हैं कि आज़ादी के पर्व को एकदम उत्साह के साथ मनाएं। और हमारे मोदी जी का लक्ष्य है, पिछले साल भी हम लोगों ने इस पर्व को पूरी जश्न के साथ मनाया था, और हर घर पे हम तिरंगा का लक्ष्य लेके चले हैं, और हम सारे जनता और अपने अपने घर पे तिरंगा फहराकर आज़ादी के जश्न को मनाएगी। और उसके उपलक्ष्य में आज युवा मोर्चा के कार्यक्रम से में पूरे बाइक जुलूस का शोभा यात्रा निकाला गया, और जिससे माला अर्पण करके यहाँ से पूरे भभुआ में घूमा, और घूमने के बाद पूरे यूथ के साथ पब्लिक में मैसेज दिया गया कि ये हमारा जो आज़ादी का पर्व है, ये हमारा महोत्सव है, और इसको हम लोग एकदम धूम के साथ मनाएं, और ये संदेश दें कि हम आज़ाद देश में हैं, और आज़ादी का ये हमारा लक्ष्य है तिरंगा, और इस हिसाब से हम तिरंगे का सम्मान करते हुए हम अपने अपने घर पे इसको कल लहरा के ध्वज का ध्वज को सम्मान करके। अच्छा, एक सवाल है, सवाल ये है, जिसकी सरकार इस समय यहाँ पे है वो लोग क्यों नहीं तिरंगा यात्रा निकाला, क्या वजह है? सरकार की जहाँ तक बात है कि हमारे पलटू चाचा की जो सरकार है उनको तो देश के सम्मान से तो कहीं कुछ नहीं है, खुद अपना सम्मान, देश कहाँ है, राज्य कहाँ है, इसका कोई गम नहीं है। आज कौन सा दिन है, आज हमें किस उपलक्ष्य में क्या बोलना चाहिए, उनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि आज के दिन हमें संदेश दे कि हर घर पे तिरंगा हो। ये तिरंगा इस आज़ादी के लिए हमारे देश के कई लोग कुर्बान हुए, कुर्बानियाँ दी, इस कुर्बानियों के बाद हम आज इस लक्ष्य पे पहुँचे हैं कि स्वतंत्र होकर इस तिरंगा को लहरा रहे हैं, ये है हमारी स्वतंत्रता। सरकार तो आती जाती रहती है, आज किसी और दल की है, कल किसी और दल की होगी, मगर ये आज़ादी का पर्व है, और इस पर्व को हम लोग सरकार में रहें नहीं रहें हमेशा इस धूम के साथ मनाते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो देखा आपने, भारत माता के उद्घोष और वंदे मातरम का उद्घोष के साथ में इन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया, और वहीं चलते हैं जिला अध्यक्ष जी के पास। जिला अध्यक्ष क्या कहेंगे? विपक्ष क्यों नहीं मना रहा है तिरंगा यात्रा, क्यों नहीं कर रहा है? ये विपक्ष से हम लोग को मतलब नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा देश के लिए, मातृभूमि के लिए काम। क्या विपक्ष देश के लिए नहीं है? उसका जवाब वो लोग देंगे, उसका जवाब हम लोग नहीं देंगे, लेकिन हमारे जो पार्टी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोग को पहला प्राथमिकता देश है, अगर हमारी मातृभूमि सुरक्षित है, हम पहले हम लोग का देश देखते हैं, इसके बाद पार्टी देखते हैं। और आपको बता दें कि अभी जो हर घर तिरंगा, और गत वर्ष भी हमारे सभी भारतवासी अपने अपने घरों पर जो है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपना जो अपने अपने घरों पर तिरंगा यात्रा फहराए थे। 13 से 15 अगस्त तक लगातार हम सभी भारतवासी से अपील करना चाहता हूँ, इस तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान है, इसको सफल आप लोग बनाएं, सभी लोग अपने घर पे एक एक झंडा लगाएं, और शॉप इसमें हर जगह झंडा 25 रुपये के रेट में मिल रहा है। आप सभी लोग से मेरा अपील है, मैं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल, कि आप सभी लोग भारत के हम लोग सपूत हैं, इसलिए हम लोग का फर्ज बनता है कि हम सभी लोग अपने अपने घरों पर झंडा लगाएं, और अपने अपने अगल बगल के लोगों को भी बोले आप लोग भी तिरंगा झंडा लगाकर और आज़ादी के महोत्सव और यादगार पल बनाएं। मैं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल के तिरंगा यात्रा में विपक्ष क्यों नहीं शामिल हो रहा है? इन लोगों का कहना तो नहीं, लेकिन ऐसे में देश प्रेम और देश राष्ट्र और देशभक्त क्या कहती है? क्या आप मानते हैं कि बीजेपी देश प्रेम और देशभक्त है? अगर मानते हैं तो आरजेडी और जेडीयू क्यों नहीं? अगर मानते हैं
और क्यों पार्टी क्यों नहीं तिरंगा यात्रा की आयोजन कर रही है बिहार के अंदर। हम खासतौर से बिहार के कैमूर में हूँ और कैमूर के ही पार्टी और भी पार्टी लोग यात्रा करते हैं। देखा जाए आप देख सकते हैं जिस तरह से देखा जाए आप देख सकते हैं बड़ा सफल बना हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखते हैं कई लोगों में देश प्रेम है लेकिन पार्टी विशेष की बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने भागीदारी ली थी। आज के दिन जो हम लोगों ने स्वतंत्र पाया था आज हमारा जो भी ये दिनचर्या के दरमियान मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं देश के प्रति तो हर घर में तिरंगा लगाने का उन्होंने काम किया कि लगे कि हमारा भारत देश भी लोग यहाँ पे तिरंगा का सम्मान करते हैं। भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आज के डेट में हर लोगों को जनता अभियान के दरमियान यहाँ पे सरकारी दस्तावेज यहाँ पे प्रशासन के साथ सबके लोग आज तिरंगा यात्रा का उन्होंने लुक उठाते हुए दिखाई दिया। पौधारोपण भी किया देखिए पौधारोपण के लिए जैसे मोदी जी के नेतृत्व में जो काम यहाँ पे हो रहे हैं पौधा के आज के डेट में पौधे लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आज के डेट में जो दिखाई दे रहा है कि जो धूप तेजी में दिख रही है ये पौधा कहीं दे और पौधा काटने के दरमियान ही हम लोग हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि हर घर में आगे पौधा